कुमार और आप देख रहे हैं बिंटू की नज़र। और आज हम पहुंचे हैं बीएड कॉलेज के पास डॉक्टर रमाकांत बाईपास पर। जी हां, हम कैसे पहुंचे हैं, किस लिए पहुंचे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं आपको। डॉक्टर रमाकांत बाईपास जो है, यहां से कुलकुंड की ढाणी जो जाती है, कुलकुंड जाता है रोड, उस सड़क मार्ग पर बिलायती कीकर और कटीली झाड़ियाँ वगैरह काफ़ी दिनों से सड़क के किनारे लगी हुई थी, उनसे राहगीरों को काफ़ी परेशानी आ रही थी। इसको लेकर ग्रामीणों ने 10 नवंबर को नायब तहसीलदार कैलाश पोसवाल जी को ज्ञापन सौंपा था। उसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा, आप देख सकते हैं ये जेसीबी जो चल रही है इस समय, सड़क किनारे जो बबूल कीकर विलायती कीकर वगैरह जो लगी हुई थी, इनको पूर्ण रूप से सड़क के किनारे से हटा रही है इस समय। और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मैं सुनील कुमार शर्मा। सर, अभी 10 तारीख को आपने ज्ञापन दिया था सड़क किनारे जो बबूल विलायत कीकर वगैरह थी, इनको हटाने के लिए, इनसे काफ़ी दुर्घटना वगैरह भी होती थी, कैसा महसूस कर रहे हैं अब? जैसे आज ये जेसीबी लगी है, पीडब्ल्यू विभाग के जो एन साहब है महीलाल जी मीणा, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि 10 नवंबर को हमने ज्ञापन दिया था, उनको व्यक्तिगत रूप से मिले थे। ये जो राजमार्ग है, ये डॉक्टर मकान शर्मा सड़क मार्ग है, इस मार्ग में डाणी पंडाला की बीवाड़ा की डाणी, घाटीवाड़ा बाग, पीर सिंजनाथ जी का मंदिर, पीर जी की मंडी, धामड़ा धाम, खारिया की डाणी, मोल्डी की डाणी और प्राचीन पीढ़ी की जोड़ पर जाकर ये रोड 3 किलोमीटर की दूरी है, जिसमें रोज़ एक्सीडेंट होते थे, हादसे होते थे, जिनको लेकर ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन का प्रभाव पर संज्ञान लेते हुए महीलाल जी मीणा ने संज्ञान लिया। आज सुबह से जेसीबी चल रही है, यहाँ साफ सफाई चल रही है और दोनों साइडों से अवैध जो बिलायती टीकर थी, झाड़ झंकार थे, उनको साफ किया जा रहा है। मैं मानता हूँ कि यदि ऐसा ही चलता रहा, मेरे जो साथी हनुमान जी पापटियाण जी है, एक समाज सेवी है, जयराम जी सैनी है जो एक समाज सेवी है, इन लोगों का बहुत बड़ा अथक प्रयास और सराहनीय योगदान रहा है। मैं इनको बुरी बुरी प्रशंसा करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो नारायणपुर के संपूर्ण विकास के लिए, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग का काम हो, चाहे ग्राम पंचायत स्तर का काम हो या सामाजिक सरोकार के लिए काम हो, हर काम में मेरे साथ अहम भूमिका निभाते हुए कार्य कर रहे हैं। और आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं कि हमारे प्रयासों से मेहनत रंग लाई है और एक दिन ये मुकाम पर पहुंचेगी और नारायणपुर का संपूर्ण विकास होगा। हमारे साथ अगर युवा चाहे तो क्या नहीं कर सकता, 10 तारीख को इन्होंने ज्ञापन दिया था, उसके बाद पीडब्ल्यूडी ने संज्ञान लेते हुए, और आप देख सकते हैं इस समय जो अतिक्रमण हट रहा है वो देख रहे हैं। हमारे साथ पीडब्ल्यूडी विभाग के भी अधिकारी वगैरह और ठेकेदार वगैरह मौजूद हैं, कर्मचारी मौजूद हैं। सर, काफ़ी समय से ये परेशानी आ रही थी, अब हटाया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जैसे सर, ये जो डिपार्टमेंट तो पब्लिक सेवा के लिए है, आप लोगों की जो डिमांड थी, आज हमारे अधिकारियों के आदेश अनुसार हम लोग आए हैं और काम कर रहे हैं। सर, अभी कहाँ से कहाँ तक आप ये हटाएंगे जैसे अतिक्रमण, ये जो सड़क किनारे है, जो स्टेट हाईवेज SH 52 पुलिया से लेके जो भी आबादी है, जहाँ लोगों को दिक्कत हो रही है, उसको दुरुस्त करा के जाएंगे। सर, अपन जैसे SH 52 की बात करें, घाटा से और नारायणपुर, वहाँ पर भी विलायती बबूल का काफ़ी झुंड वगैरह है, काफ़ी सड़क किनारे काफ़ी विलायती वगैरह हैं। पूर्व में एक एक्सीडेंट भी हुआ था जिससे महिला की मौत हो गई थी। बबूल के जो पेड़ वगैरह हैं, विलायती कीकर के जो पेड़ हैं, इनसे कोई आदमी अगर जैसे निकल के जाता है तो दिखता नहीं है और वाहन इस सड़क मार्ग पर काफ़ी तेज़ी से आते हैं, यहाँ इस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? जैसे इसको करवा के उसको भी दुरुस्त करवाएंगे, बीएड कॉलेज के सामने या आजू बाजू में जो भी है उसको भी हम हटवाएंगे और जल्दी हटवा देंगे। अभी तो पीडब्ल्यूडी विभाग ये बता रहा है कि जो स्टेट हाईवे 52 है, घाटा बांदरोल से, घाटा से और नारायणपुर के बीच में विजयपुरा कोला का बास, इस सड़क मार्ग पर भी जल्दी ही वो हटाने जा रहे हैं। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, ठेकेदार जी हैं पीडब्ल्यूडी के। सर, आज सड़क किनारे जो विलायती बबूल था, काफ़ी समय से लोगों को परेशानी आ रही है, आज पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा हटाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जैसे सर, जैसे ही हमारे को कल श्रीमान एक्शन साहब और श्रीमान IN साहब से निर्देश मिला था कि अपन को ग्रामीणों की जनभावनाओं को देखते हुए और परेशानी को देखते हुए इसको ये जो जंगल सफाई है, विलायती बबूल हो रहे हैं और काफ़ी अतिक्रमण है, उनको हटाने का निर्देश हुआ। जैसे ही मेरे को कल मिला, आज सुबह मैंने मशीन लेकर के काम स्टार्ट कर दिया और जहाँ तक ये रोड है वहाँ तक इसको साफ करवाएंगे, तथा बीएड कॉलेज के पास भी हमने सुबह ही कर दिया। तो ये थे हमारे साथ पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार, और भी यहाँ जो मुख्य यहाँ के जो निवासी हैं, जयराम सैनी, इनसे भी बात करना चाहेंगे। सर, काफ़ी समय से लोगों को परेशानी हो रही थी,
डॉक्टर रमाकांत बाईपास से और कुलकुंड की डानी तक जो सड़क मार्ग जा रहा था इस पर विलायती टिकर थी, इससे दुर्घटनाएं वगैरह होती थी, क्या महसूस कर रहे हैं अब? जैसे आप महसूस ये है साहब, हमने कुछ दिनों पहले ज्ञापन दिया था PWD एन साहब को और उनको दे दे ज्ञापन हम 10 तारीख को, उसके बाद में तुरंत प्रभाव से उन्होंने एक्शन लिया और एक्शन लेने के बाद में कर्मचारी लोग भेजे हैं यहाँ और ठेकेदार जी को भेज दिया, गाड़ी भेजी है और उन्होंने आज हमें सूचना दे के ये काम सुचारू रूप से साफ सफाई चालू। सर अभी PWD विभाग ने जैसे साइडों में जो अतिक्रमण हो रहा था, पेड़ पौधे वगैरह, इससे हमेशा दुर्घटना वगैरह बना रहता, क्या कहना चाहेंगे PWD विभाग को, क्या धन्यवाद देना चाहेंगे आप? PWD वालों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम आज तक ऐसा नहीं तो कोई ठेकेदार मिला न कोई कर्मचारी मिला, हमारी तरफ से पूरा ग्राम पंचायत की तरफ से मान लीजिए आप बहुत बहुत धन्यवाद उनको, जो कि तुरंत प्रभाव से मशीन भेज कर ये कार्य पूर्ण करवाए। तो यहाँ के जो बासिंदे हैं वो भी काफ़ी धन्यवाद PWD विभाग को दे रहे हैं। हमारे साथ युवा लगातार मौजूद हैं, क्रांतिकारी हनुमान पापटन भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर एक राहत महसूस हो रही है, काफ़ी समय से आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं ग्राम पंचायत के विकास के लिए और आज PWD विभाग द्वारा जो सड़क मार्ग पर जो विलायती बबूल वगैरह थे इनको हटा रहे हैं, काफ़ी दुर्घटनाएं वगैरह होती थी, क्या कहना चाहेंगे इस बार? मैं ये कहना चाहूँगा, हमने 10 तारीख को एक ज्ञापन दिया PWD विभाग को, इसमें एन साहब ने अच्छा कार्य किया, जो तुरंत ही हमारा इस काम को एक्शन लिया और तुरंत ही JCB भेज करके जो अतिक्रमण हटवाने के लिए पूरी मेहनत से उन्होंने कर्मचारी भेजे और JCB भेज करके तुरंत टीकर बबूल जो भी अतिक्रमण में डोड़ हैं, रोड के सारे पक्का कच्चा अतिक्रमण पीढ़ी जोड़ी तक जितना भी है वो सारा हटाया जाएगा, चाहे 2 दिन चलो चाहे 1 दिन चले JCB, पूरा कार्य पूर्ण होने के बाद में ही ये यहाँ से जाएंगे। और मैं PWD विभाग को मैं एक बार बार धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे अगर ये हमारे समस्या का समाधान करते रहेंगे तो गांव में न तो एक्सीडेंट होगा और नहीं कोई अतिक्रमण होगा और सुचारू रूप से आवागमन चलता रहेगा। तो ये हनुमान पापटन जी जो बता रहे हैं वो काफ़ी धन्यवाद दे रहे हैं आप PWD विभाग को। कैमरा पर्सन गोलू के साथ मैं बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नज़र।